ठीक है, तो कुछ एक फंक्शंस हैं जो बिल्ट इन है और जो हम स्पेसिफिकली स्ट्रिंग के साथ यूज करते हैं। तो क्या करेंगे, पहले एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, ए इक्वल्स टू दिस इज द स्ट्रिंग, मैंने इसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट हो गए, 4, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है, 18, इसके 0 से लेके 17 तक इसका इंडेक्स नंबर चला जाएगा। जो इसका इंडेक्स नंबर है वो आपका क्या रहेगा, 0 से लेके 17 तक। ठीक है, इंडेक्स नंबर हो जाएगा इसका 0 से लेके 17 तक, तो इंडेक्स नंबर भी इसका आगे चल के यूज होगा। देखो, जो फर्स्ट फंक्शन हम यूज करते हैं ना, वो करेंगे अपर लोअर। ठीक है, इसमें तीन है हमारे, अपर लोअर, ओके, और तीसरा है हमारा टाइटल केस। ये जो तीन फंक्शन है ना, इसके दो टाइप है, एक तो हम लिखेंगे इज अपर, ठीक है, एक हम लिखेंगे सिर्फ अपर। दोनों में डिफरेंस क्या है, जो इज अपर है ना बच्चों, ये वाला जो फंक्शन है, ये क्या करेगा, हमें जो रिजल्ट देगा वो या तो ट्रू देगा या फिर फॉल्स देगा। इज अपर आपको बताएगा वेदर द गिवन स्ट्रिंग इज इन अपर केस और लोअर केस। और जो अपर फंक्शन है ना, सिर्फ अपर, ये क्या करेगा, आपका जो वैल्यू है उसको कन्वर्ट कर देगा। आ गया समझ में? जैसे ये जो हमारा स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में क्या है, टी कैपिटल लेटर में है, बाकी सारा स्मॉल है। तो इज अपर क्या करेगा, ये अपर क्या करेगा, सभी के सभी को कन्वर्ट कर देगा कैपिटल लेटर्स में। ठीक है, और इज अपर क्या करेगा, इज अपर विल टेल यू दैट वेदर द गिवन स्ट्रिंग इज इन अपर केस और लोअर केस। ठीक है, तो आपका ये इज के और बिना इज के साथ में ये तीन फंक्शंस यूज होते हैं। तो एक बार इसको देख लेते हैं, जैसे मैं यहां लिखूंगी प्रिंट इज अपर, किसको चेक करेंगे, इज अपर ए को, ठीक है, या मैं ऐसे लिख दूंगी प्रिंट अपर किसको, ए को। चलो देखते हैं इसमें एरर आता है। ठीक है, कहां पर एरर आया, ये इज अपर में, ओके, इज अपर नॉट डिफाइंड। और दूसरा क्या एरर आया, एक ही लाइन पे इसने एरर दे दिया। एरर क्यों आया बच्चों इसमें, इसमें एरर आया सिंटेक्स का। ठीक है, जो हम फंक्शन ऐसे देखते हैं ना, तो वो हमें ऐसे नहीं देने हैं, पहली चीज। अब इसमें एक पॉइंट क्लियर कर लो बच्चों, आप जब भी आप कोई फंक्शन यूज करते हैं ना, उस फंक्शन के साथ में आपको स्मॉल ब्रैकेट्स यूज करनी। ठीक है, कई बार क्या होता, हम लोगों को सिंटेक्स याद नहीं रहता, तो एक ही आपका सीधा सा तरीका है कि जो भी फंक्शन होगा ना, फंक्शन के साथ में आपको स्मॉल ब्रैकेट कंपलसरी है लगाना। ठीक है, क्यों है, जब हम यूजर डिफाइंड फंक्शन करेंगे ना, तो हम खुद के फंक्शंस बनाएंगे। जैसे इसमें जो प्रिंट फंक्शन है, इज अपर है, अपर है, ये ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन है, हमने नहीं बनाए, तो इसकी प्रोसेसिंग कैसे चलती है वो हमें नहीं पता। ये तो हमें तो सिर्फ आउटपुट निकाल के दे देता है कि भैया आपका ये कन्वर्जन करके हमने ये दे दिया, इज अपर है कि नहीं है, ट्रू फॉल्स रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब लेकिन ये फंक्शंस काम कैसे करते हैं वो हमें नहीं पता। तो जब हम यूजर डिफाइंड फंक्शन करते हैं ना, तो उसमें हमें पता चलेगा कि ये जो हम स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं ना, ये क्यों लगाते। कई बार क्या होता है, ये जो स्मॉल ब्रैकेट है, इसके बीच में हम कुछ वैल्यूज लिखेंगे किसी फंक्शन में, और किसी फंक्शन में हम इसके बीच में कोई भी वैल्यू नहीं लिखेंगे। ठीक है,
तो जो बीच में यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं इसको हम क्या बोलेंगे, पैरामीटर बोलेंगे। ठीक है, जैसे हमने लेन फंक्शन किया था, लेन फंक्शन में हमने ब्रैकेट में लिखा था कि जो भी स्ट्रिंग की आपको लेंथ देखनी है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, स्ट्रिंग नेम डॉट इज अपर, ओके, और उसके बाद आपको स्मॉल ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है। अब देखते हैं कुछ ये एग्जीक्यूट करेगा, ये देखो इसने फर्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट कर दिया, जो फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट है इसको एग्जीक्यूट कर दिया, सेकंड वाले को नहीं किया। सेम प्रॉब्लम, इसी तरीके से हमें इसको लिखना है। ये देखो दिस इज द स्ट्रिंग, आया समझ में। हमने लिखा वेरिएबल नेम डॉट इज अपर, देन इस केस में इसने क्या दिया यहाँ पे, फॉल्स, बिकॉज दिस इज नॉट अ अपर केस स्ट्रिंग। फॉर अपर केस ऑल द लेटर शुड बी इन अपर केस, ओके। सेकेंड वाले में था ए डॉट अपर, ए डॉट अपर में इसने क्या किया, जो स्ट्रिंग है उसको इसने कन्वर्ट कर दिया कैपिटल लेटर्स में, ओके। आया इतना समझ आप लोगों को? अच्छा, एक क्वेश्चन है कि अगर ये जो आपका इज अपर है, ये सॉरी ये जो अपर है, इसने ए की वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया, मींस ए की वैल्यू क्या चेंज हो गई होगी? रिप्लाई, मैंने लिखा है ए डॉट अपर, इसका मतलब जो ए में स्ट्रिंग था ये कन्वर्ट होके अब इसमें कैपिटल प्लस स्मॉल लेटर में नहीं है। ए जो वेरिएबल है क्या उसके अंदर सारे के सारे लेटर्स कैपिटल हैं? ये बेसिक कंफ्यूजन का क्वेश्चन होता है। चेतना, दीक्षा, डिम्पी, यस मैम, बच्चों ये जो ए वेरिएबल है इसकी वैल्यू क्या है? अब पहले इसमें कैपिटल और स्मॉल दोनों थे, अब सारे कैपिटल हो गए। ओके, चेतना आप क्या बोलोगी? सारे अपर केस में कन्वर्ट हो गए। सारे, तो अगर मैं ए को प्रिंट करूंगी तो यहाँ पे क्या प्रिंट होके आ जाएगा माने? अनम्यूट योर सेल्फ। ओके, चैट में देखते हैं, पता नहीं मम्मा। चलो देखो अब इसको हम करके देख लेते हैं, ये इसने कन्वर्ट किया है, किसको कन्वर्ट किया है, प्रिंट ए। यहाँ पे ये कन्वर्ट करके नहीं देगा बच्चों, आपको यही वाला पॉइंट क्लियर करना था। वैसे तो ये फंक्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बस ये छोटी छोटी सी बात होती है। देखो जो ए है ए एज इट इज है, आया समझ में, ए जो है वो ए एज इट इज है। आपने यहाँ पे जो फंक्शन लगाया है ना इसमें ए डॉट अपर, इसका मतलब क्या है, ये टेम्परेरी कन्वर्ट करके आपको यहाँ पे डिस्प्ले करना है। ठीक है, आपने लिखा है वैल्यू ऑफ ए डॉट अपर, उसको अपर में कन्वर्ट करो और उसको प्रिंट करो। आपने कहीं भी नहीं बोला कि आप ए की वैल्यू को अपर लेटर में कन्वर्ट करो और उसको डिस्प्ले करो, ओके। तो अगर सपोज करूं मैं यहां ऐसे लिख देती हूं, ए इक्वल्स टू ए डॉट अपर, अगर मैं इसको ऐसे लिख देती हूं तो अब ए की वैल्यू क्या होगी बच्चों?
दीक्षा अनम्यूट योर सेल्फ। मैम सेम ही रहेगी जो एक ही पहले थी, दिस इज द स्ट्रिंग एंड मिक्स रहेगा अपर और लोअर केस दोनों। अच्छा ठीक है, अभी का लेटर में नहीं आएगा, लेट अस विल रिमेन इन स्मॉल लेटर। पिंपी आर यू एग्रीड विद द आंसर? नो मैम। नो मैम, व्हाई? चेतना मैम अपर केस में प्रिंट करके देगा एक ही बार में? प्रिंट तो देखो ये पहले भी अपर केस में दे रहा था यहाँ पे, है ना? बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए नाउ? ए मैम कैपिटल में हो जाएंगे सारे। हाँ सारे के सारे कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको देखते हैं, रन करते हैं जरा। ये देखो इसमें क्या हुआ बच्चों, जो ये फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुई प्रिंट ए डॉट इज अपर, ये यहां इसने आउटपुट दे दिया फॉल्स। ठीक है, अभी ए के अंदर ये है, सारे के सारे अपर नहीं है, तो इसने यहाँ पे फॉल्स दे दिया। प्रिंट ए डॉट इज अपर हो गया, फिर इसने यहाँ पे असाइनमेंट चलाया। यहाँ पे पहले ए के अंदर क्या स्टोर करा था, दिस इज द स्ट्रिंग टी कैपिटल। ठीक है, अब इसने क्या ए के अंदर दोबारा से वैल्यू असाइनमेंट करी है। क्या वैल्यू असाइन करी है ए के अंदर? ए मींस जो वैल्यू ये थी डॉट अपर, ए के अंदर जो वैल्यू थी उसको अपर में कन्वर्ट करके असाइन कर दे ए वेरिएबल को। आया समझ में? ये इसका मीनिंग हुआ। तो अब ए की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई है, ए की वैल्यू हो गई है ऑल द लेटर्स इन कैपिटल, दिस इज लाइक दिस। ठीक है, अब ए के अंदर सारे के सारे लेटर्स कैपिटल हो गए हैं। प्रिंट ए डॉट अपर, तो इसने ए डॉट अपर चलाओ या ए चलाओ, दोनों ही केसेस में ये क्या करेगा आपको कैपिटल लेटर में प्रिंट करके देगा। ठीक है, अगर हम ये फंक्शन नहीं भी लगाते ना यहाँ पे तो भी ये कैपिटल लेटर में डिस्प्ले करता। व्हाई? बिकॉज बिफोर दिस प्रिंट स्टेटमेंट वी हैव कन्वर्टेड, वी हैव असाइंड न्यू वैल्यू टू ए वेरिएबल। ए वेरिएबल को यहाँ पे बच्चों न्यू वैल्यू असाइन हो गई है। ठीक है, न्यू वैल्यू असाइन होगी मतलब जो ए के अंदर था उसको अपर में कन्वर्ट करके अगेन रीअसाइन कर दिया इसने किसको, ए वेरिएबल को। आया समझ में? कंफ्यूजन हुआ क्लियर? यस मैम। यस मैम। तो अगर मैं इसमें मान लो यहाँ पे ये फंक्शन नहीं भी लगाऊ ना तो भी ये दो बारी कैपिटल लेटर में ही डिस्प्ले करेगा। रन मॉड्यूल, ओके। ये देखो, गॉट द पॉइंट? यस मैम। ठीक है, अब हमारे जैसे इज अपर है, हम इसकी जगह इज लोअर लिख देते हैं, मींस जो भी डेटा है वो आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारा का सारा स्मॉल में ही है, टी कैपिटल है, टी भी स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ये देखो ऐसा क्यों किया इसने, क्या यही आउटपुट आना चाहिए था? ये हमने यहां लिख दिया इज लोअर, तो यहां इसको क्या लोअर लेटर में डिस्प्ले नहीं करना चाहिए था? पढ़ो जरा प्रोग्राम को। थोड़ा फास्ट रिप्लाई क्या करो बच्चों। चेतना मैम लोअर के बाद हमने ए को डिफाइन कर रखा अपर केस में, इसलिए अपर केस में पे प्रिंट कर देते। वेरी गुड, ए इक्वल्स टू ए इज रिटन सो इट विल डिस्प्ले द सेम। ओके, देखो हमने यहाँ लिखा इसको A dot is lower, print A dot is lower. First statement execute हुई, तो इसका output क्या है? False. Is क्या करेगा आपको? True या false देगा. तो यहाँ इसने false दे दिया क्योंकि सारे के सारे small letters में नहीं है.
अगर हम लिख देते हैं a इक्वल्स टू a डॉट, हमने यहां तो कन्वर्ट क्या किया, इसको अपर में कन्वर्ट किया है a को, तो प्रिंट a, प्रिंट a, दो बारी a प्रिंट कर दिया, तो अपर में कन्वर्ट करने के बाद a की वैल्यू अपर लेटर में थी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे a डॉट लोअर करना पड़ेगा, ठीक है, a इक्वल्स टू a डॉट लोअर, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ केस का ही डिफरेंस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिस्प्ले करूंगे करेंगे इसे, ये देखो रन, ओके, ठीक है, इसने क्या किया, दिस इज द स्ट्रिंग, ए के अंदर क्या है, अब स्मॉल लेटर्स में है, ठीक है। कई बार ये ना हमारी रिक्वायरमेंट में डिपेंड करता है, कि कई बार हमको टेम्परेरी कन्वर्जन करना होता है, लेकिन जो हमारा ओरिजिनल डेटा होता है ना, वो हमें एज इट इज स्टोर रखना होता है, जिस भी फॉर्मेट में वो है। और कई बार क्या होता है कि हमें ओरिजिनल को ही चेंज करना पड़ता है, ठीक है। सपोज करो आपकी जो क्लास इंचार्ज है वो आपके नेम डाल दिए, ठीक है, उन्होंने 20 बच्चों के नेम तो कैपिटल लेटर में डाल दिए, और 5 बच्चे जिनके नेम उन्होंने स्मॉल लेटर्स में डाल दिए, तो उनको तो सेम केस रखना है, तो उस केस में क्या करेंगी वो, उनको रियलिटी में सारा का सारा डेटा कन्वर्ट करना है, तो वो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, कौन सा ऑपरेशन करेंगी, ए डॉट ए लोअर या ए अपर, मीन्स वो जो उनके पास लिस्ट है लिस्ट की वैल्यू को ही चेंज कर देंगे, और फिर कहीं उसको प्रिंट करना है या यूज करना है तो यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट में देते हो ना, तो वो क्या करता है, कन्वर्ट तो करता है, लेकिन वो टेम्परेरी कन्वर्जन होता है, वो वेरिएबल की वैल्यू को नहीं छेड़ता है। ये वेरिएबल की वैल्यू को कब चेंज करेगा बच्चों, जब वेरिएबल इक्वल्स टू हम देंगे, ठीक है, जब a इक्वल्स टू देंगे, ओनली इन दैट केस इट इज गोइंग टू कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, अदरवाइज वो टेम्परेरी प्रिंट स्टेटमेंट में आपको यहाँ तो प्रिंट हुआ दिखेगा कि केस चेंज हो गया है, लेकिन रियलिटी में जो आपका वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। तो इज अपर इज लोअर, अब हम इसका देख लेते हैं, इज टाइटल, यहाँ पे भी ए डॉट टाइटल केस कर लेते हैं, ओके, फॉल्स, ठीक है, दिस इज द स्ट्रिंग। टाइटल केस क्या होता है, जैसे आप कोई भी आपकी प्रोजेक्ट फाइल वगैरह बनाते हैं, तो आप उसका हेडिंग लिखते हैं ना, टाइटल लिखते हैं, उसमें क्या करते हैं आप लोग, हर एक वर्ड का जो है फर्स्ट लेटर आप कैपिटल रखते हैं, ये होता है टाइटल केस, ओके, ये है कौन सा केस है, टाइटल केस। टाइटल केस में हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, ठीक है, चाहे फिर वो आपकी हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे सब्जेक्ट हो, सेंटेंस में कुछ भी हो, इट डजेंट मैटर, ये जितने भी वर्ड्स है आपके, उन सब का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल कर देगा, दिस इज कॉल्ड टाइटल केस। आया समझ में? तो हमने अभी तीन फंक्शन करे, तीन एक तरीके से 6 फंक्शंस हो गए हमारे, कौन से फंक्शंस हमने कवर किए हैं अभी, अपर इज अपर, लोअर इज लोअर, स्पेस नहीं आएगा इनमें, ठीक है, और दूसरा था हमारा टाइटल इज टाइटल, ठीक है। इसमें क्या करेगा, इसका रिजल्ट ये दे देगा, जो इसका रिजल्ट है इसमें क्या करेगा, ये कन्वर्ट करेगा, इसमें ट्रू फॉल्स बताएगा कब अपर में है कि नहीं, इसमें ये कन्वर्ट करेगा, इसमें ये ट्रू फॉल्स देगा, इसमें ये कन्वर्ट करेगा और इसमें ये ट्रू फॉल्स देगा, ठीक है। और जिस भी वेरिएबल की वैल्यू को आप कन्वर्ट करके करके देख रहे हो ना, डिपेंड्स ऑन योर स्टेटमेंट, ठीक है, आप डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट में लिख रहे हो ए डॉट या जो भी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग डॉट करके अपर लोअर या टाइटल, तो ये टेम्परेरी कन्वर्जन करके सिर्फ डिस्प्ले करेगा, बट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विल रिमेन सेम। लेकिन अगर आप वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर देते हो, जैसे हमने यहाँ किया है ए डॉट ए टाइटल, तो इस केस में कन्वर्ट करके फर्स्ट ये स्टोर करेगा ए वेरिएबल में, देन उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, तो इसमें जो कन्वर्जन है, दिस कन्वर्जन इज परमानेंट, ठीक है,
ए जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू को ये परमानेंटली कन्वर्ट कर देगा। आए तीनों फंक्शन समझ में? कोई डाउट? नो मैम।